गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? हाजिर हूँ आपके आगे आज का मुद्दा लेके। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मुझसे कई बार सवाल पूछ लिया गया है, कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर ये एक तो सिटीज़न बिल है और एक तो एक्चुअल में कैब है और एक NRC है, मतलब इन दोनों का फंडा समझ नहीं आ रहा है। एक दूसरा ये है कि आसाम राज्य में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, जामिया यूनिवर्सिटी में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक्चुअल में ये है क्या, मतलब पूरा मामला क्या है, क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों आसाम मना कर रहा है, और के तहत आपके कई सारे कार्ड्स होते हैं दोहरी नागरिकता के, उनके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का डिस्कशन। मेरा नाम है सुनील और दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझसे फेसबुक इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं तो साइंटिस्ट स्टार सुनील से इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। तो चलिएगा, सबसे पहली बात जो आपके आगे है यहाँ पे वो तो ये है कि एक हाल ही में विधेयक था आपका, जो पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ और फिर फाइनली राष्ट्रपति ने, देखिएगा एक हमारे संसद का प्रोसेस होता है जिसपे पहले लोकसभा में पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा में, और फिर राज्यसभा के बाद में फाइनली जो संसद का तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं, और उन्होंने इस विधेयक को जो है 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी। तो अब ये वर्तमान में कोई विधेयक नहीं रह गया है, तो ये बात आप याद रखिएगा, वर्तमान में ये विधेयक जो है ये कानून बन चुका है, नागरिकता संशोधन विधेयक कानून बन चुका है वर्तमान में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये जिक्र करते हैं कि नागरिकता कानून के विरुद्ध जो है बहुत सारे राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अब इन बहुत सारे राज्यों को मैं एक बार परे रख के, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम जो है वो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है आसाम, इसमें सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और एक दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिंसक झड़प हो रही है। पुलिस ने वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है वो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जामिया यूनिवर्सिटी जो है ये भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से शामिल है एक, और जो आपके इस यूनिवर्सिटी में आप थोड़े दिन पहले जो है एक प्रोटेस्ट हुआ था, हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना था आपका कि हम तो शांतिपूर्वक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि संवैधानिक तौर से हमारा एक जो है अधिकार है, लेकिन वहीं पे पुलिस का ये कहना था, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उन्होंने पत्थर बरसाए थे, इस करके हमने जो है स्टूडेंट को पीटा। भाई पीटा तो क्या था, बहुत ही बुरी तरीके से उनकी पिटाई हुई थी, इवन लाइब्रेरी से जो है स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था, उनके जो आपका लाइब्रेरी में इवन आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, के अलावा जो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स थे उनको वहाँ से जो है बाहर निकाला गया था। तकरीबन 20,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर जो है पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ जो है इफेक्टेड हुआ ये। फिर उसी टाइम पे क्या हुआ कि स्टूडेंट को जब गिरफ्तार किया गया तो JNU यूनिवर्सिटी और वहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटी दिल्ली की है वो सभी मिलके, और दिल्ली में जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर है, और रात को तकरीबन 10-11 बजे के आसपास वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और रात के 4-5 बजे तक वो है प्रोटेस्ट जारी रहा था ऑन रोड पे। तो ये बहुत ही बड़ा एक हिंसक प्रदर्शन हुआ। अगर मेरा ओपिनियन मैं इसमें देना चाहूँ तो देखिएगा, इस तरीके से लाठियाँ बरसाना और किस कदर तक ठीक हो सकता है, ये पर्सनली एज ए स्टूडेंट कहूँ मैं या एज ए टीचर कहूँ तो ये सीरियसली बहुत ही क्रुएलिटी, बहुत ही निर्दयता दिखाई गई थी। हालांकि इस पे जो कहे कोर्ट में केस चल रहा है, दलीलें चल रही हैं। और बात करते हैं हम लोग आसाम के बारे में, तो आसाम भी जो है, आसाम इसका मतलब बाकी राज्यों में तो है ही है, लेकिन आसाम में इसका कैब का जो विरुद्ध हो रहा है, अभी कैब तो नहीं कहूँगा, ये कानून है फिलहाल के लिए, तो इसका बहुत ही प्रखर और बहुत ही मुखर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है।
असम में मतलब स्टूडेंट हो या वहाँ के आम जनता हो पूरी तरीके से रोड पे आ रही है। बहुत ही एक हिंसक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे फोटोज़ में किस तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे रोड जाम हो रहे हैं, ट्रेनें हैं, पब्लिक हाईवे वगैरह जाम किए जा रहे हैं। एक मतलब बहुत बुरी तरीके से जो है टर्मिनल्स को, डाकघर को, रेलवे स्टेशंस को, इन सभी को बंद करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और हिंसक प्रदर्शन तो इतने हुए हैं कि 2 लोग मारे गए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 लोग मारे गए हैं। और मतलब असम में इतने हिंसक प्रदर्शन है कि सेना को और असम राइफल्स को जो है तैनात किया गया है। जनरली क्या होता है कि असम राइफल्स और सेना जो है उनको तैनात नहीं किया जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐतिहासिक प्रदर्शन हो सकता है। ये असम के इतिहास में इतना ज़्यादा प्रदर्शन अब तक तो नहीं हुआ होगा। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी एक बात है। इंटरनेट तो क्यों बंद किया जाता है सर? इंटरनेट बंद करने का रीज़न ये होता है ताकि सोशल मीडिया पे जो है ये अफवाहें या खबरें जो हैं ज़्यादातर ट्रॉल ना हो, ज़्यादा फैले ना। बात ये करते हैं हम लोग कि जो अभी आपका ये नया बिल आया है उसमें हुआ क्या है असम के साथ में। एक तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि नागरिक संशोधन हुआ क्या है। इस नागरिक संशोधन के दौरान जो है मेन बात क्या है, कैब है क्या, ये नागरिक संशोधन विधेयक क्या है। हालांकि मैं इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं कंप्लीट, लेकिन फिर भी आपको मैं शॉर्ट पॉइंट में अभी बताना चाहूँ। तो देखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश, एक तो आपका पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश, यहां से केवल 6 धर्मों के लोग, ध्यान रखिएगा देश केवल 3 है और केवल 6 धर्म है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। आई रिपीट अगेन, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, केवल ये 6 धर्मों के लोग जो हैं ये इंडिया में आ सकते हैं। इनको थोड़ा सा जो आपका नागरिकता का कंसेशन मिला है, पहले नागरिकता जो थी वो 11 साल के बाद मिलती थी, लेकिन अभी केवल इन 6 धर्मों के लोगों को 6 साल में ही नागरिकता मिल जाएगी। और इनकी कट ऑफ डेट जो है अभी वो 31 दिसंबर 2014 रखी गई है। भाई अगर यहाँ तक का कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में आ चुका है आपका, या चाहे वो किसी तरीके से आया हो आपका, चाहे वो लीगल आए हो, चाहे वो इलीगल आए हो, चाहे उसके पास में पासपोर्ट हो, चाहे पासपोर्ट ना हो, फिर भी उसे जो है वो नागरिकता दे दी जाएगी। अब इतनी सी बात पे सर इतना बड़ा बवाल, ये कैसे हो सकता है? तो बवाल है ये धार्मिक आधार पे। बेसिकली लोग इसे कह रहे हैं कि मुस्लिमों का जो है यहाँ पे प्रताड़ना है। अच्छा सर, सरकार का क्या रुख था इसमें? तो सरकार ने तो ये कहा था कि इन 3 कंट्रीज़ में स्टेट रिलीजन अवेलेबल है। स्टेट रिलीजन का मतलब है कि यहाँ का जो पाकिस्तान का जो कंट्री की बात करता हूँ तो यहाँ का रिलीजन है इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्रीज है, भाई यहाँ का रिलीजन है, धर्म है। जबकि भारत देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारा प्यारा भारत कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं जाना जाता। तो भारत को क्या चाहिए कि वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जो कम है, जैसे हिंदू वहाँ कम है, ईसाई कम है, सिख कम है, पारसी कम है, जैन कम है, बौद्ध कम है, तो उनको शरण देनी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में इनको प्रताड़ना जो है दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि पाकिस्तान में हो सकता है जैसे अहमदियाज हैं वो मुस्लिम में आते हैं, सियाज हैं आपके वो मुस्लिम में आते हैं लेकिन वो माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको भी शरण देनी चाहिए थी ना। श्रीलंका के तमिल्स हैं आपके, उनको भी शरण देनी चाहिए थी ना। फिर इस हिसाब से तो मुस्लिम के मतलब ये हो सकता है कि जो मतलब जैसा कि इस पे लोग जो इस पे बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के विरुद्ध है, मुस्लिमों को जो है वो भड़काने का काम हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो जो बाकी देश में जो है मुद्दा चल रहा है वो तो इस चीज़ का चल रहा है के साथ में। इसमें OCI कार्ड धारक यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो केंद्र के आसपास उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार होगा। अब ये OCI कार्ड क्या होता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा पूरा डिटेल से क्या होता है OCI कार्ड आपका। चलिएगा, उससे पहले ये तो आपको पता लग ही गया कि नागरिक संशोधन कैब जो है इसका ये बिल क्या है। अब सर इसमें असम में जो है इतना बड़ा जो है वो मतलब क्यों दंगा वगैरह हो रहा है? तो देखिएगा, इसमें ये पूरे भारत को मिला है, पूरे भारत में ये कानून जो है लागू हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है या एक्सेप्शन क्या है, अपवाद छूट वगैरह किसको है? एक तो 4 इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं। मैंने आपको जिस दिन वीडियो बनाई थी उस दिन 3
इनर लाइन परमिट वाले राज्य थे, एक था अरुणाचल प्रदेश, एक था नागालैंड और तीसरा था मिजोरम। लेकिन रिसेंटली मणिपुर को भी जो है आईएलपी, मैंने उस दिन भी बताया था कि जल्द ही मिल जाएगी और ये मिल चुकी है, इनर लाइन परमिट इनको मिल चुकी है, तो इनको जो है एक्सेप्शन है या इनको छूट है। अब सर ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, तो देखिएगा इनर लाइन परमिट का सीधा सा मतलब है इन स्टेट्स के अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेने की नीड होती है। मान लीजिएगा आपको घूमना चाहते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में घूमने जाना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 15 दिन का परमिट ले लीजिएगा, आप 20 दिन का परमिट ले लीजिएगा। आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप एक साल का परमिट ले लीजिएगा, दो साल का ले लीजिएगा। आप लंबी अवधि का भी ऐसे इनर लाइन परमिट ले सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं मैं आपको, हर 6 महीने बाद में इनर लाइन परमिट को रिन्यू करवाना पड़ता है, ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है। अब देखिएगा इनर लाइन परमिट जो है आपके अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और जो आपका मिजोरम है, जो आपको ये पर्पल शेड में दिख रहे हैं ये इनर लाइन परमिट वाले स्टेट्स हैं, तो इनको तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो है ये अभी आपका नया संशोधन है ये लागू नहीं होगा। के अलावा जो आपके छठी अनुसूची में जो आपके राज्य आते हैं, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, ए एम एम टी एक ट्रिक है आपका, मैंने उस टाइम पे भी बताया था, ए फोर आपका आसाम है, एम फोर मेघालय है आपका, और दूसरे एम फोर आपका आ जाता है मिजोरम आ जाता है, और तीसरा आपका जो है टी फोर त्रिपुरा आ जाता है। तो देखिएगा बाकी तो ठीक है, चलो ये इनर लाइन परमिट के दौरान भी आगे बाकी सारी बातें ठीक है। असम राज्य है मेघालय, मेघालय तो देखिएगा पूरी तरीके से छठी अनुसूची के तहत आता है आपका, त्रिपुरा का लगभग 70% हिस्सा जो है छठी अनुसूची के अंदर आता है, लेकिन 30-40% हिस्सा जो आपको ये अनशेडेड पोर्शन दिख रहा है ठीक है, ये जो है ये इनर लाइन सॉरी आपका छठी अनुसूची के तहत नहीं आता। अब असम के तो केवल 3 एरिया ही हैं जो आपके इनर इसके छठी अनुसूची के तहत आ रहे हैं, उसमें आपका पहला है कार्बी, दूसरा है आपका क्या कहते हैं नॉर्थ हिल्स है, और तीसरा आपका है बोडोलैंड। तो ये 3 ही से आते हैं, बाकी जो अनशेडेड जो मेजर पार्ट रह गया वो तो छठी अनुसूची के तहत नहीं आता। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे पूरे भारत में कानून लागू होगा वैसे के वैसे यहाँ पे भी कानून लागू होगा। तो असम के राज्य का सबसे पहला कहना तो यही है, भाई एक ही राज्य में दो कानून कैसे लागू हो सकते हैं, भाई एक ही घर में दो चौधरी कैसे हो सकते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, हो ही नहीं सकते। अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े दंगे झमेला ये तो आम बात है, अक्सर होता ही आया है समाज में, आप भी देखते ही हैं। अगर आपके परिवार में दो अगर चौधरी हैं तो आप समझ जाइएगा आपका परिवार कितने दिन टिकने वाला है। तो ऐसे ही असम कह रहा है भाई हमारे ही राज्य में दो जो कानून है आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि इन तीन छठी ये तीन जो आपकी बड़ी बड़ी जगहें हैं इन तीनों जगहों को छठी अनुसूची में शामिल है कि इनको स्पेशल जो है वो दर्जा दिया गया है, और बाकी जो हिस्सा है ये आपका पूरे भारत की तरह माना जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा बवाल इस बात का है, दूसरी बात क्या है, दूसरा सबसे बड़ा बवाल जो असम के लोगों का वो ये है कि देखिएगा यहाँ पे 1826 से पहले की बात अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे अहोम वंश जो था वो शासन करता था असम में। 1826 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया, जैसा कि आप सभी जानते हो अंग्रेजों का पूरे अधीन ही भारतीय आ गया था, तो इसमें असम भी कहाँ पीछे छूटने वाला था, ये भी अछूता नहीं रहा और ये भी इसके हिस्से में आ गया। अब धीरे धीरे हुआ क्या आपका, ये आपका हिस्सा है बांग्लादेश का ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल का, ये इसके बाद में बांग्लादेश उधर आएगा, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो असम को बंगाल के प्रशासन के अधीन रखा गया और बंगाली को अदालतों और शिक्षा की भाषा जो है वो घोषित कर दिया गया, मतलब अदालत में शिक्षा के लिए बंगाली भाषा को ही कर दिया गया। और एक्चुअल में क्या था, यहाँ के जो गवर्नर थे, आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल चावल के लिए जाना जाता है, जूट के लिए जाना जाता है, जो भारत की सुनहरा रेशा है वो आपका सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, भारत में सर्वाधिक चावल भी पश्चिम बंगाल में होते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है वो भी पश्चिम बंगाल का है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। अब जो असम सॉरी आपका बंगाल है, यहाँ से जो भी आपका माल था, कच्चा माल था या जो भी बातें थी आपकी, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था अंग्रेज यहाँ से असम में भेजने लगे,
धीरे धीरे यहाँ की जो स्कूल एजुकेशन थी वो भी बंगाली होगी, अदालतों की एजुकेशन थी वो भी बंगाली होगी। तो असम के लोगों को लगने लगा कि भाई यार हमारी तो एजुकेशन है उसके अंदर हमारी जो प्रॉपर लैंग्वेज है असमिया उसको तो जो है वो तवज्जो ही कम दिया जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे करते तो ख़त्म ही हो जाएगी है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी मिशनरियों से प्रेरित होकर इन्होंने जो असमिया लोगों ने असमिया भाषा आंदोलन शुरू किया था और कहा कि हमारी लैंग्वेज असमिया ही रहनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज नहीं हटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असम जो है वो जाना जाता है अपने एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए। देखिएगा असम का असमिया लैंग्वेज हुई, यहाँ का बिहू डांस हुआ, यहाँ के बहुत सारे जो है आपके बिहू ढोल हुआ, सराई हुई, या यहाँ का आपका गोमासा हुआ, इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है, यहाँ का एक स्टेट कल्चर है। असम चाय के लिए जाना जाता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर चाय प्रोडक्शन होता है वो असम का ही हो रहा है आपका। एक्चुअल में मैं ये नहीं कहूँगा कि असम की चाय सबसे ज़्यादा महंगी है या सबसे अच्छी, तो नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे महंगी या सबसे अच्छी चाय तो दार्जिलिंग की बोली जाती है इंडिया में, जो तकरीबन 30 से 35,000 रुपए या इससे भी ज्यादा रुपए किलो की बिकती है आपकी। 35,000 रुपए किलो के आसपास चाय जो है, अभी रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जीआई टैग ग्रीन और वाइट टी का, उसमें एक चाय थी आपका, उसका रेट भी मैंने आपको बताया था, तकरीबन 9,000 रुपए किलो, 60 ग्राम चाय तकरीबन 500-550 रुपए की थी वो, तो काफी महंगी चाय। और महंगी क्या, दार्जिलिंग की चाय को तो यूं बोला जाता है कि उसकी खुशबू ही अलग है, उसका अरोमा ही अलग है, उसका स्वाद ही अलग है। लोग जो चाय पीते हैं वो कहते हैं कि दार्जिलिंग जैसी चाय पूरी दुनिया में नहीं है, 80% पूरी दुनिया में दार्जिलिंग की चाय जाती है। हालांकि मैं चाय पीता नहीं हूं तो मुझे इसका इतना खास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप पीते होंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ का अंदेशा भी होगा। तो असम जो है बेसिकली अपने इस लोकल कल्चर के लिए जो है वो जाना जाता है और काफ़ी पर्टिकुलर इन कल्चर्स को ये बनाए रखना भी चाहता है। असम में एक 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो असम में 48.38% असमिया लैंग्वेज है और 28.92% बंगाली है और 6.73% हिंदी है और बोडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एसएससी एग्जाम ने पूछा है बोडो जनजाति किस राज्य की है, तो बोडो जनजाति असम की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स। अब देखिएगा कट ऑफ तारीख के बारे में सुनिएगा, दो कट ऑफ तारीखें हैं यहाँ पे, एक तो 1 जनवरी 1966 और एक दूसरी है 24 मार्च 1971। देखिएगा 1966 से पहले का जो नागरिक है आपका, 1966 और 71 के बीच में नागरिक, लेकिन मतदान के लिए 10 साल तक जो है उसको वेट करना पड़ेगा। मतलब 1966 मतलब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद में जो नागरिक है वो आपका कहलाएगा तो ठीक है असम का नागरिक ही, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार 10 साल बाद मिलेगा वहाँ के रहने पर। लेकिन बाद में कट ऑफ डेट डिसाइड की गई, ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले ही कट ऑफ डेट थी 24 मार्च 1971, और इसके बाद अगर कोई यहाँ पे आ जाता है तो उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो असम के लोगों का सबसे बड़ा तो एक प्रोटेस्ट है तो इसी बात पे भी है कि अब ये जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 31 दिसंबर 2014 क्यों कर दी गई है, भाई इतने साल हो गए आपके, ठीक है 44-45 सालों का इतना गैप क्यों आ रहा है, ये आपका कट ऑफ डेट वो ही क्यों जो है रखी क्यों नहीं जा रही, ये कट ऑफ डेट क्यों मानी जा रही है। और 25 मार्च 1971 से पहले जो है माता पिता दादा दादी जो थे वो अगर किसी भी तरीके से नागरिक थे या कैसे भी आवेदन कर लेते तो नागरिक माने जा रहे थे असम के। ये जो थी बात आपकी वो असम के लोगों की थी, असम का प्रोटेस्ट करने से रिलेटेड बात थी। मैं आपको ओवरऑल ये कह देना चाहता हूँ कि असम का प्रोटेस्ट धर्म के लिए नहीं है, असम का प्रोटेस्ट ये है कि हमारा जो है वो कल्चर बना रहे, हमारे कल्चर में बिगाड़ ना हो, क्योंकि अगर बाहर के लोग आते हैं तो हमारा जो है रिसोर्सेस है उसमें कमी आ जाएगी, इस वजह से असम के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेन तो मुद्दा है यही। अब जो है पिछला नागरिकता मान तो मैंने बता ही दिया आपको, 11 साल था लेकिन अब ये 6 साल हो गया है आपका। अब आज की वीडियो का टाइटल था एनआरसी में, आपको एक तो एनआरसी के बारे में बताना और कैब सीएबी, खैर अभी वो कैब नहीं है लेकिन जो ये आपका कानून है और एनआरसी, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ये बताना था आपका। देखिएगा एनआरसी का आपका अगर आप फुल फॉर्म पूछते हैं तो आपका ये नागरिक रजिस्टर है आपका, ठीक है, और जो ये नागरिक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम हैं और वर्तमान में केवल असम के पास ही ऐसा रजिस्टर है ये,
यानी एनआरसी सिर्फ असम में ही लागू है। अभी हाल ही में घोषणा हुई थी कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। असम में एनआरसी मूल रूप से राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची कह सकते हैं आप लोग, और नागरिकों का ये रजिस्टर इसलिए बनाया गया था कि बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में जो विदेशी नागरिकों की पहचान के बारे में पता लग सके। अब एनआरसी जो है इसे 1951 में, ठीक है, 1951 में जो है वो तैयार किया गया था पहली बार इसे, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी अपडेट करने की भी जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हुई। इसका मेन मकसद ये था कि 1971 के बाद एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो बांग्लादेश से असम में आ गई थी। अब उस टाइम पे लोग सोचने लगे कि इतनी भीड़ कैसे होगी है, आप सभी को पता होगा, आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी, चौथी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी कि इंडिया में जनसंख्या नीति लानी पड़ी, नसबंदी कानून लागू करने पड़े इंडिया को। और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक जो हैं वो असम सीमा पार करके सारे असम में ही आके रुके थे। अब एनआरसी होते कौन है, एनआरसी मतलब जो है किसे कहेंगे हम लोग एनआरसी है वो, तो एनआरसी में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो 24 मार्च की मध्य रात्रि या आपका 1924 मार्च की मध्य रात्रि 1971 या पहले असम के नागरिक थे। इस अवधि के वक्त इनके पूर्वज अगर असम में रहते हों तो उन्हीं एनआरसी हम लोग जो है वो मान सकते हैं। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एनआरसी को अपडेट करने के लिए 1975 में 6 सालों तक लंबा आंदोलन भी चलाया था वैसे, और 1985 में असम प्रावधान में जो असम के अकॉर्ड बने थे उसमें 24 और 25 मार्च 1971 के बाद भारत में अवैध रूप से जितने भी बांग्लादेशी जो रह रहे थे इनको वापस भेजने का जो है वो भी वादा किया गया था कि हाँ भाई इनको हम लोग जो है वो वापस भेज देंगे। तो दस्तावेज क्या है, इनके जन्म प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि के किराएदार के रिकॉर्ड वगैरह, ये सारे के सारे दस्तावेज हैं। मतलब कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट है पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है एनआरसी के लिए। अब असम का अकॉर्ड हुआ था आपका, ठीक है, असम अकॉर्ड की अगर बात करते हैं हम लोग, उससे पहले जो है वो नागरिकता से एनआरसी से बाहर कौन हुए थे, तो असम में एनआरसी की प्रक्रिया में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई, और एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई तो असम की जनसंख्या उस टाइम पे 3.3 करोड़ थी, ठीक है, असम की जनसंख्या 3.3 करोड़ थी, और एनआरसी की जो लास्ट सूची है वो आपकी आई है 31 अगस्त को, ठीक है, 31 अगस्त 2019 को, अभी रिसेंटली अपडेट हुई है ये, जिसमें क्या हुआ कि 19 लाख लोगों को जो है वो इसमें जगह नहीं मिली, और जबकि 3.11 करोड़ लोगों को भारतीय नागरिकता के रूप में रजिस्टर में जो है वो दर्ज करवा दिया गया है इनका जो है वो नाम। सो ये बात थी एनआरसी से रिलेटेड। एनआरसी से रिलेटेड तो आपको ये बात जो है वो समझ आ ही गई होगी, ठीक है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेन आपका जो है लड़ाई जो है वो चल रही है वो किस बात पे चल रही है, मेन जो आपका मुद्दा है एनआरसी का और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपका एनआरसी और नागरिक संशोधन बिल में मेजर डिफरेंस क्या है। अब देखिएगा, हाल ही में असम में एनआरसी की प्रक्रिया का उद्देश्य था कि अवैध प्रवासी जितने भी हैं उनको नागरिकता के आधार पर जो है वंचित ना रखा जाए, भाई अवैध प्रवासियों की पहचान कर लें और अगर लीगल हैं तो उनको नागरिकता भी मिल जाए। और इसके मुताबिक क्या है, किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के लिए साबित करना होगा कि या तो वह उसके माता पिता 24 मार्च की मध्य रात्रि 1971 से पहले असम में थे, क्योंकि इस तारीख के अगले ही दिन बांग्लादेश ने मुक्ति का संघर्ष स्टार्ट कर दिया था और उसमें हजारों की संख्या में भारत में आ गए थे, तो वो तो आपके इलीगल माने जाएंगे। और दूसरी ओर नागरिकता संशोधन बिल जो है वो धर्म के आधार पे नागरिकता देता है, तो इनमें मेजर डिफरेंस यही है, वो तो आपका जो है दस्तावेजों के आधार पे दे रहा है, ये धर्म के आधार पे दे रहा है। सो ये था इन दोनों का मेजर डिफरेंस। अब अगर बात करें सरकार की तरफ से, तो 31 दिसंबर 2014 तक जो है भारत सरकार ने 2 लाख के आसपास, या आप 3 लाख कह दीजिएगा, 3 लाख स्टेटलेस की पहचान की थी। ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन लगभग लगभग है, हो सकता है और बहुत आंकड़ा पड़ा हो आपका जो नहीं मिला अब तक। और इसमें जो है बांग्लादेश के तकरीबन 1.25 लाख के आसपास है, श्रीलंका से भी आपके लगभग 1 लाख के आसपास है, तिब्बत के 58,000 के आसपास, म्यांमार जो है 12,434 है, पाकिस्तान 8,799 है, और अफगानिस्तान 3,469 है।
बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका इसमें टॉप पे हैं, और ये भी कोई फिक्स डेटा थोड़ा ना स्टेटलेस का, हो सकता है कोई और भी ज़्यादा हो आपके। तो स्टेटलेस में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेटलेस जो है किस देश के हैं, तो बांग्लादेश और श्रीलंका के हैं आपके। तो तमिलनाडु में भी इसका प्रोटेस्ट चल रहा है कि श्रीलंका के इतने स्टेटलेस आ गए, उन पर भी क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब आपसे एक मैंने एक बात कही थी कि दो टाइप के देखो कार्ड होता है, एक तो देखो आपका होता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है आपका PIO कार्ड होता है, और एक होता है OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपको दोनों फोटो में दिख रहे होंगे, एक तो आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड दिख रहा है, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसी वीडियो में मैं इसका भी डिस्कस कर देता हूं। देखिएगा, विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीयों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम ही है क्या है आपका OCI कार्ड। OCI का मतलब मैंने बता दिया आपको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। विदेश में बसे हों और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं, और भारत के लिए भी आपकी सुविधा कह सकते हो आप लोग, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दरअसल क्या बात है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता की सुविधा जो है वो मिली हुई है, लेकिन भारतीय नागरिकता के कानून के मुताबिक अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन इनका भारत से भी जुड़ाव जो है बना पड़ा है अभी तक। तो इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद जो है भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ता था। तो ऐसे ही लोगों की सुविधा को ख्याल रखा गया और 2003 में जो है वो भारत सरकार ने एक PIO कार्ड का प्रावधान जारी किया। स्टार्टिंग में देखिएगा PIO कार्ड बना था आपका। अब ये PIO का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कार्ड पासपोर्ट की तरह ही होता है और इसको 10 साल तक के लिए जो है वैलिडिटी के रूप में जारी किया जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2006 में हैदराबाद में भारतीय प्रवासी दिवस पे जो है OCI कार्ड देने की घोषणा हुई आपकी। अब काफ़ी समय तक तो PIO चलता ही रहा, लेकिन OCI कार्ड दोनों ही आपके जो है वो चलते रहे। लेकिन 4 साल पहले ही जो लगभग आपके 2015 में जो है वो PIO का प्रावधान तो ख़त्म कर दिया गया और सरकार ने कह दिया कि OCI कार्ड का चलन ही जारी रखा जाए, इसी की घोषणा की गई। अब OCI कार्ड किसे मिल सकता है यह भी बात है। अब व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो, या उसके माता पिता या उसका कोई भी आपका लिंक जो है इंडिया से रहा हो, या अब देखिएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान, ऐसे कुछ देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती। कौन कौन से देश है ये? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ये देश वो हैं जिनको जो है ये सुविधा नहीं मिल सकती। अब जो OCI एक तरह का भारत में जीवन भर रहने, काम करने, सभी तरह के आर्थिक लेन देन, जो भी आप जो है ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, इस टाइप का है ये। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब चाहे बिना वीजा इसमें भारत आ सकता है आपका, मतलब जीवन भर के लिए मान्य होता है, इसमें कोई 10 साल 20 साल का कोई आपका जो अपडेशन नहीं होता है आपका। अब भारतीय जो गृह मंत्रालय ने उन्हें वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ये इनके पास जैसे भारतीय नागरिकों के पास जो अधिकार होते हैं वो लगभग सारे ही अधिकार होते हैं, लेकिन ये 4 काम नहीं कर सकते इंडिया में। एक तो चुनाव नहीं लड़ सकते ये, एक ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं, एक सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद नहीं संभाल सकते हैं, और ये कोई यहाँ की इंडिया की जमीन नहीं ले सकते हैं, खेती नहीं कर सकते इंडिया में ये। तो विदेश आने वाले लोगों को ना 90 दिन से अधिक भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन OCI कार्ड को ये छूट मिलती है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, उनका ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है आपका। और भारतीय गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 20 लाख लोगों से जो है ज़्यादा के पास जो है ये OCI कार्ड जो है आपका ये मिला हुआ है। सो, ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का डिटेल डिस्कशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने रिव्यू दीजिएगा। ये प्रोटेस्ट जो है ये कितना, किस हद तक ठीक है, क्या ये नागरिकता बिल जो है अभी पास हुआ है, अभी आपका कानून बना है, क्या ये कानून ठीक है, 1955 के कानूनों में बदलाव किया है तो क्या ये ठीक है, कितना हद तक ठीक है, आप अपने ओपिनियन दीजिएगा, अपने व्यू दीजिएगा।
और दूसरी बात, ये वीडियो आपको जो है न्यूज़ बताने की तरफ से था, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं था। सो थैंक यू सो मच। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर की वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपके कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।